शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम की दहशत शिक्षा विभाग में साफ तौर पर देखी जा रही है और खास बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया दिखने पर तत्काल कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षक बनकर क्लास लेने पर कहा है कि विद्यार्थियों के स्तर का आकलन कर शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इन दिनों शिक्षा मंत्री एक्शन मूड में दिख रहे हैं क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय साधारण तौर पर किसी भी स्कूल या शिक्षक संस्थान पे औचक निरीक्षण पे पहुंच जा रहे हैं। इससे शिक्षा महकमा में हंगामा मचा हुआ है, लोगों में डर बनी हुई है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या शिक्षक हो। तो इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि औचक निरीक्षण में उन्होंने क्या देखा और इसका उद्देश्य क्या है। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कभी भी किसी भी स्कूल में बिना सिक्योरिटी के पहुंच जाते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि जो संस्थाएं हमारी हैं वो संस्थाएं में ठीक से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर कौन शिक्षक वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितनी उपस्थिति बच्चों की हो रही है, कितनी उपस्थिति टीचरों की हो रही है, ये सबको देखना चाहिए उसमें। और इसी में मैंने कल भी गया था, पहले भी गया था, तो जहाँ जहाँ कमी देखी बिल्कुल वहाँ नोटिस दिया उनको कि भाई काम ठीक नहीं होना चाहिए। जो कि राजधानी का स्कूल है और राजधानी के स्कूल में कमी क्यों है, वहाँ अगर शिक्षक नहीं है तो क्यों कमी है, बालक अगर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें शिक्षकों ने और पालकों ने क्या वहाँ एफर्ट किया, कल तो एक जगह उसकी समीक्षा भी शिक्षा समिति की बैठक भी हो रही थी, मैं वहाँ पे गया। अब मैं कहूँ वहाँ पे आप लोग क्या जो मीटिंग का जो उद्देश्य है उसमें क्या एजेंडा है, तो उन्होंने एजेंडा भी ये बताया कि जो बालक नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उनको समझाई क्योंकि स्कूल आपका है, शिक्षक आपके हैं और पढ़ाई भी आपकी है, तो यहाँ पर उनकी बराबर उपस्थिति होनी चाहिए। इस सब बातों को देखने के लिए कहीं कहीं आपके मध्याह्न भोजन का भी, कहीं पढ़ाई कितना कोर्स उसमें हुआ है, क्योंकि वो उसके बाद आपका जो ईयरली उसमें टेस्ट होंगे, अपने सिक्स मंथ उसमें टेस्ट होंगे, तिमाही टेस्ट होंगे, तो कितने उसमें कोर्स की कितनी पूर्ति हुआ है, कोर्स कहाँ तक उसकी पढ़ाई हुई है, इस सब की जानकारी के लिए मैं देखने के लिए वहाँ पे गया था, तो कहीं कहीं कमी पाई, कहीं कहीं ठीक जी। अब से हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके आने की सूचना होती है तो संपूर्ण तैयारी कर लिए रहते हैं, आप अचानक गए तो और किस तरह की आपको देखने को चीज मिला या आप नोटिस दिया जिसमें सुधार की जरूरत है? नहीं, तो सूचना अगर देके जाओगे तो सही सही सब सही मिलेगा वहाँ पे, बिना सूचना देके जाओगे तो आपको कमी उसमें मिलेगी। अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, चाहे आप कर्मचारी हो अधिकारी हो, तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि शिक्षा मंत्री जी इन दिनों एक्शन मूड में हैं और कभी भी किसी वक्त आपके विभाग में वो औचक निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं और जो आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। भाई भोपाल में मैं